मुख्य सचिव राधा राठौड़ी ने सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेलों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न वित्तीय और सैद्धांतिक स्वीकृतियां दी। अधिकारियों को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को स्वर्णिम अवसर और चुनौती के रूप में लेने की हिदायत देते हुए अधिकारियों को तैयारियों को तत्परता से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। नेशनल गेम्स के लिए राज्य के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्कृष्ट स्तर तक विकसित किया जाए, जिससे भविष्य में राज्य की युवा खेल प्रतिभाएं लाभान्वित हों। मुख्य सचिव ने नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर से शहरों के सौंदर्यकरण, खेल आयोजन स्थलों तक जाने वाली अप्रोच रोड के मरम्मत, आयोजन स्थलों से कूड़ा प्रबंधन और वॉलेंटियर्स को बस सेवाओं का लाभ देने के संबंध में समन्वय के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यूपीसीएल से खेल आयोजन स्थलों में आयोजन के दौरान अबाध विद्युत आपूर्ति और आयोजन स्थलों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट सुनिश्चित करने के संबंध में समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल निगम से आयोजन स्थलों के स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेशन के संबंध में समन्वय हेतु निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उधम सिंह नगर व नैनीताल के साथ आयोजन स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधन, ट्रैफिक मूवमेंट, पार्किंग मैनेजमेंट, वीवीआईपी हेतु पुलिस एस्कॉर्ट और प्रोटोकॉल प्राप्त गणमान्यों हेतु सुरक्षा प्रावधानों के संबंध में समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं।